फिश लैब का प्रिय दर्शक, मेरा तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम लोग का जो हम लोग भी बोलेगा वो एपिसोड लेके हम लोग आज पहुँचे लांटी कॉन्स्टिट्यूंसी का नूतन हाजा गांव में। नूतन हाजा गांव ऐसा एक पुराना गांव है जहां पे मोर देन 52 हाउसेस है, और यहां पे हम लोग आज उपस्थित है हमारा साथ में गाबुरा से लेके, और गाबुरा का साथ में बहुत सारा बुजुर्ग है और यूथ्स भी है, और जो यहाँ का बासिंदा है जो यही जगह का बारे में हम लोग को बताएगा, और उन लोग का सुख और दुख क्या अभाव है, क्या अभिजोग है, ये सब बारे में हम लोग बात करने आया, और ये हम लोग रखा है इसलिए हम लोग भी बोलेगा। तो हम पहले जाने मांगता हम लोग का यहाँ का जो गाबुरा जी है, गाबुरा जी से हम बात करने कोशिश करेंगे जो ये गाँव कब हुआ है, जन्म कब हुआ है, एस्टाब्लिश कब हुआ है, और ये गांव का आप गाबुरा होके कैसे चला रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पड़ता है, 52 हाउसेस धमाली बात नहीं है। इतना सुंदर से आप सबको अच्छा तरीका से रखा है, सुख दुख देखता है, सब कुछ करता है, तो इसलिए हम लोग जानने को कोशिश करेंगे ये आप कैसे कर रहे हैं। ये गांव मतलब 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। अभी ये अभी कितना साल हो गया, अभी और साल हो गया यहाँ गांव में। अभी 52 हाउस है, अच्छी तरह से अभी गांव में चलता है। अभी कम्युनिकेशन, अभी रोड विषय खराब है, रास्ता घाट पानी पानी पीने के लिए प्रॉब्लम होता है, रिंगवेल भी चाहिए था। उसके बाद इरीगेशन का नाला जो है वो भी खराब है, वो भी बनाना चाहिए, और इरीगेशन को जो फार्म है वो भी छोटा हो गया, वो उससे खेती कर नहीं सकता। यहाँ पानी खेती करने वाला अभी बहुत सारा माटी है, फिर भी छोटा मशीन है इसलिए खेती कर नहीं सकता, नाला नहीं है इसीलिए बहुत तकलीफ होता है। तो हम गाबुरा जी से फिर से बात करेंगे, क्योंकि गाबुरा है और ये गांव का मुखिया है, और ये गांव का जितना भी सुख दर्द सबका बारे में उनको जानकारी है। तो हम लोग फिर से एक गांव का बासिंदा के पास जाएंगे। यहाँ पे हमारा साथ एक बुजुर्ग है, उनका पास हम जाने को कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे हम जानने को कोशिश करेंगे जो आज का दिन में एक गाँव का हम आपको आपसे जानकारी लेने को कोशिश कर रहे हैं, जो आज का दिन में हम जो नूतन हाजा जो गांव है ये क्या परिस्थिति है, यहाँ पे क्या क्या अभाव है और क्या क्या असुविधा है। जिन्हें नोलाई नहीं नूतन हाजा ये राम काम रखा लोग अठारह बस जबा हम बहा हर तीनों रहा फैब्रिकली वो जी सफाया दिन दुख जादू रहा रोड बहा हम यही दौ दोहा दोहा रहा दिन दंग जीवन हलाफा इलेक्ट्रेशन हलाफा जिन दोहा मिशन पैसा माखम जादू हम दुख जाली दू कि मिशन दे लाभ खाते कैसा नो सर कैसा दंग जीव कैसा सुविधा जा रहा नमो आना अलाब इले जान सुनिया जाला खासी भी दान फाइव वो मिशन वो सब साहब जानू डाला जी कफाव लाइ दू जी कमा दू गोटे में डाल के हम से सलाम नामा और दोहा जें गिफ जानते जें जी कालिमिया हा बांगी आं आम श्री तिफिया हा बांगी जंगे सुलिया मिशन देवरा के जिन खबरी मनाम आई हम लोग मुझे ना इधर करा जाम लाडू। तो आपने सुना हिंद साहब का दर्शक कितना सुंदर से बताया जो ये लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का नूतन हाजा बल्कि नहीं लांगटिंग का हर गांव पहले बहुत कुछ होता था। यहाँ पे तिल काफ़ी होता था, यहाँ पे सरसों काफ़ी होता था, तुला बहुत ज़्यादा होता था, और पानी खेती का सुविधा बहुत था, लेकिन इरीगेशन प्रॉपर नहीं है बोल के यहाँ पे बहुत सारा असुविधा है। तो हम इस बार हमारा जो हिल्स लाइफ का जो रिपोर्टर है ये पूरा देखते हैं एकदम मंदार दिशा से लांगटिंग तक लांगटिंग मायमांग तक देखते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये है डेनी हसनू, हम लोग का हिल्स लाइफ का रिपोर्टर, जो कि पूरा यहाँ का जो सुख सुविधा का बारे में वो देखते हैं, वो बात करेंगे जी। सबसे पहले मैं आप सभी हमारे हिल्स लाइफ की टीमों को स्वागत करता हूँ जो हमारे इस लांगटिंग एरिया में आके अपने हमारे गाँव वासियों का जो दुख तकलीफ के बारे में जानने की कोशिश किया है। जो ये आज मैं हमारे जो नूतन
हजा का जो गांव में हूँ, यहाँ गांववासियों के साथ। मैं छोटा से इसी गांव के पास ही था, मैं यहाँ देखता था पहले, यहाँ पे जो यहाँ खेत जो करते थे, यहाँ में पानी खेत, उसका जो पहले पूरे यहाँ इस गांव का जो इतने अच्छे से पानी खेत कर पाते थे, कारण उस वक्त जो एडुकेशन का जो पानी पूरा अच्छी तरह मिलता था। पर अभी कुछ सालों से यहाँ पे जो ड्रेन है जो वो भी खड़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ मैं खास ये बताना चाहूँगा कि इसी गांव पे ही बैठाया गया है मशीन, पर इसी गांव का ही जो खेत करने में बहुत तकलीफ मिल रहा है। जो मेन सोर्स तो वो पानी खेती से चलता है यहाँ का जो गाँववासी है, तो आज वो खेती करने का भी मुश्किल हो रहा है। मतलब यहाँ पे 52 हाउसेस है, वहाँ पे अब जो इतने सारा पानी खेत है, पर वहाँ अब बताया गया है कि कुछ लोग जो अपना कुछ पैसा लगा के भी ड्रेन बनाया गया है, कुछ अपना छोटा मशीन खरीद के कुछ तकलीफों से मतलब यहाँ पे वो अब पानी ला रहा है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह अगर चलेगा तो क्या होगा इस गांव का हालत? तो गांव का जो बुजुर्ग है वो उन्होंने कहा है कि जो पहले जिस तरह था अगर उस तरह यहाँ पे चलता तो इस गांववासी का कोई बाहर में वैसे कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, कारण इतना बड़ा यह खेत है, इस खेत में ही मतलब सिर्फ इस गांव का नहीं, बाहर से भी आके इस गांव में मेहनत करता है, गांव में आके कोई काम करता है, सोचिए अब लांगटी बाजार का हो कहीं दूसरे गाँव से भी यहाँ के काम करता था, मगर अब वो भी सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये रहा हम लोग का डैनी हसनो, तो सुंदर तरीका से आपको बता दिया जो नूतन हजा का आज का दिन में क्या हाल है। तो हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे, हम अभी अभी हम ऐसा एक आदमी के पास जाएंगे, अभी अभी खेत से वो खेत करके अभी हम लोग के पास आया, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज का दिन में उनका कैसा कैसा रहा। आज का दिन अच्छा था, खेत पानी देख के आया था खेती से। अच्छा, पानी भी कम है। अच्छा, पानी कम से जावरा भी ज़्यादा होता है, इसलिए धान भी अच्छी तरह से हो नहीं पाता जी। मतलब तो पानी कम है इसलिए पुका उका भी सब खा देता है। अच्छा, इसीलिए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, और क्या क्या असुविधा है आपका गाँव में? असुविधा वो रोड है, रोड भी एक वो वही नहीं है, खतर बहुत पहले से भी वैसे ही है। अच्छा, पूरा खतर रोड है। अच्छा, वो पानी भी इससे प्रॉब्लम होता है। अच्छा, खेत का पानी भी रोड भी इससे प्रॉब्लम है। अच्छा, इतने ठीक है, वो इतना सुंदर से बताया। देखिए आप, उन्होंने आज सुबह खेत से आके हम लोग को बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी का असुविधा से, पानी कम होने से खेत का क्या हाल हो रहा है। तो हम लोग के साथ एक बुजुर्ग महिला भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो हम लोग जो बात करेंगे नूतन हजा का जितना भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। माँ जी आप बताइएगा, ना लाडू आदमी हजिया थी हाजिया खान थे फैले फिर स्कूल आंसर देखा आपने, ये महिला जो बुजुर्ग है इतना सुंदर से बताया कि उनका क्या तकलीफ है और गांव का क्या तकलीफ है, और इतना सुंदर से मांग रहे हैं जो ये एकदम बेसिक थिंग है, बेसिक जो चीज़ है जो उनका इनकम जनरेट का जो एक ही मुद्दा है, जो खेत अच्छा से नहीं होगा तो उनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा। और आज के दिन में सब जगह पे डेवलप हो रहा है और आगे जा रहा है, लेकिन नूतन हजा का आदमी उनका जो खेती कम होते जा रहा है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करने पड़ता है। अभी हम लोग और भी आदमी से बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ काफ़ी यूथ है, बहुत आदमी बोलने को कोशिश करेंगे, हम उनके पास जाने को कोशिश करते हैं। आप बताइएगा जो नूतन हजा जो ये गांव है, नूतन हजा जो ये गांव है उसका जो सुविधा प्रॉब्लम्स, ये आगे तो ये गांव बहुत अच्छा था और यहाँ से बहुत अच्छा आदमी स्लाइप का जो मीडिया पर्सन है उसको थैंक्स देता हूँ यहाँ में आने के लिए। इससे पहले कोई मीडिया यहाँ पे नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और बस्ती के बारे में बोले जाने से, हम लोग को बस्ती 1948 में इस्टेब्लिश हुआ,
उसके बाद में यहाँ में इतना अच्छी तरह से खेती होता था, यहाँ से पहले का आदमी हर घर का एक इंसान मतलब एक लड़का बट पढ़ के यहाँ से अपना खेती का खा के सब पढ़ के बाद में आप लोग में अभी ADC भी है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, आगे वाला सब विषय हो गया। लेकिन अभी इसके बाद में इन शायद 2005 या 2006 में एजुकेशन खराब होने के बाद में जो एनिस आया ना तो उसमें सब नाला साला बांध दिया। उसके बाद नोया से फिर एक नूतन हाजा तो चला गया स्कीम तो उसके बाद किताब हवार LIS बोल के एक छोटा सा आया। उसके बाद में एजुकेशन छोटा सा बनाया लेकिन आधा नाला बनाया आधा नहीं बनाया। इसके लिए खेती आधा होता है आधा नहीं होता है। नीचे साइड जो है उसका कुछ अभी तो कनेक्शन नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दे के एप्लीकेशन शायद ऑफिस में इतना हो गया होगा, एजुकेशन का अभी तो कुछ स्टेप नहीं ले रहा है। और जितना नाला बनाया वो भी छोटा से बनाया और जो जो खेती करता सब अपना मेहनत से अपना पैसा से खेती कर नाला बना के जी। अपना खेती में लेके जाता है पानी। अच्छा। और रास्ता हो गया आज तक पीस नहीं हुआ ये रास्ता जी। कितना साल बाद में आता है कोई पत्थर गिराता है ऐसे बेच जाता है लेकिन कभी पीस नहीं हुआ जी। और बस्ती का इतना पुराना बस्ती है लेकिन आज तक यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बोल के भी नहीं, एक तो कुआ पीने का पानी भी नहीं। अच्छा। कुआ भी नहीं। अच्छा। बस्ती में आप लोग जाकर भी देख सकते हैं बस्ती के अंदर में कुआ नहीं गवर्नमेंट से देने वाला। पीछे जब 1948 में जब गाँव इस्टेब्लिश हुआ इसके बाद में दो साल के बाद में यहाँ में पीछे का पाइप भी आया था, अभी तो वो भी नहीं है, एक बार भी सप्लाई भी नहीं दिया। और यहाँ पे स्कूल है, स्कूल 1962 पे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ LP स्कूल, लेकिन वहाँ का अभी तक बाउंड्री नहीं है। अच्छा। स्कूल का और फिर स्कूल का फील्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लंगटिंग में जितना एजुकेटेड पर्सन है लेकिन नूतन हाजा से, लेकिन नूतन हाजा गाँव को ऐसे में अभी करके रख दिया, मतलब जैसे प्रॉपर एरिया से जैसे कि 50 किलोमीटर इंटीरियर जो हाँ ऐसे में अभी करके रख दिया। यहाँ पे कुछ फैसिलिटी भी नहीं मिलता गवर्नमेंट से ऐसे में अभी। ठीक है, हम आपसे फिर से बात करेंगे, इससे जाने के पहले हम लोग एक तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक अब फिर बाद में आगे फिर हम लोग जारी रखेंगे ये चर्चा। पिछले के प्रिय दर्शक, हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर से आया, फिर से हम लोग बात को जारी रखेंगे। जो नूतन हाजा जो गांव है, नूतन हाजा का गांव का गाँववासी का क्या सुख सुविधा है वो सब बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये रहा हम लोग का हिल्स लाइफ का हम लोग भी बोलेगा एपिसोड, तो आपसे हम जानने को कुछ आप लोग के लिए काम करने का कुछ उपाय है? खेती है, पानी खेती। लेकिन औरत लोग तो बहुत कुछ जानता है, आप लोग तो कपड़ा बुनने जानता है, आप लोग एरी पालने जानता है, आप लोग का क्या क्या काम होता है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है होता है, एरी तो हो सकता था ना उसका। हाँ, ओइबिंग नोंग बा बोला तो हल्ला उसका बिले हेल्लुम ना बा बोलूंग बा तो हल्ला वो गिर खा। आप लोग महिला का काम कुछ नहीं मिलता, अभी कुछ नहीं है एक गाँव में काम करने के लिए। अच्छा, ऐसे वेबिंग का कुछ नहीं है? वेबिंग का अभी वेबिंग भी नहीं है, हम लोग उसको लगता है वेबिंग का। वेबिंग का अच्छा, कुछ नहीं आता, सूटा भी नहीं आता, कुछ भी नहीं था, हम लोग उसको लगता है। अच्छा, तो अभी कैसे करता आप लोग घर में? कैसे घर में से खेती करता हम लोग, कुछ काम नहीं है इसलिए। अच्छा। MSC लोगन बोलता सूटा देगा बोलता, कोई क्या घर देगा बोलता, हम लोग का क्या क्या बोलता। लेकिन दिया कि नहीं? नहीं दिया, हम लोग को कुछ नहीं मिला हम लोग तो अभी तो। अच्छा, तो ये नूतन हाजा गांव लांडे का सबसे अच्छा गांव है और आप लोग इतना अच्छा से रह रहे हैं लेकिन इतना तकलीफ होते हुए भी, तो ये जो तकलीफ है वो कैसे आप खत्म करने मांगता है? हम लोग तो
हम लोग का ये अच्छा हम लोग के लिए करने से तो अच्छा होता रहा, पूरा काम देने से अच्छा होता रहा, हम लोग को अच्छा मिलता। हम लोग कपड़ा बना के लिए वेविंग भी लगता, हम लोग के लिए उसको लगता कोई नहीं। अभी तो कुछ नहीं, आगे में तो रहा रहा ये गाँव में, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसलिए तकलीफ होता है। तकलीफ होता हम लोग का, छूटा भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, अभी तो आगे भी मिलता रहा, आगे भी तो। तो आप लोग सूता मिलने से काम करेगा और अच्छा से करेगा? अच्छा से करेगा, आप लोग बनाएगा कपड़ा गांव में। तो ये रहा, आपको आप देखे होंगे जो नोटोनाजा जो महिला है, महिला का जो सुविधा, जो यहाँ पे जो वेवर्स है उनका प्रॉपरली वो सूता नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे वेविंग का जो जो सामान चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये मिलने से उन लोग बहुत आगे जाता था, और आगे में उन लोग बहुत एक्सपर्ट था, और ये सब काम में बहुत अच्छा जानकारी है। और ये जो आप लोग का सबको पता होना चाहिए, जो हम लोग का जो निवासा जो वो जो जो कपड़ा जो बुनते हैं, कपड़ा जो बनाते हैं, उनका जो ग्राफिक्स है वा उसका जो डिजाइंस है वो नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। तो ये काम उन लोग करते थे कि, लेकिन आज सूता नहीं है वा कोई कमी का वजह से इन लोग का काम रुका हुआ है। तो हम फिर से और एक आदमी से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे हैं, हमारा जो ये जो नूतन हजार गाँव है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा बताइए, जो ये फिलहाल क्या अवस्था में है और आगे कैसे होना चाहिए। नूतन हजार गाँव में हम 30 साल से खेती करते हैं, तो इधर कोई कोई किसानी का कोई हम लोग का कोई मेडिसिन हो, सार हो, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। वो तो गवर्नमेंट से मिलना चाहिए हम लोग को, वो कुछ नहीं मिलता ही, हमें कोई सुविधा नहीं मिलता है। यहाँ का जो पानी खेती है वो भी आज कम से कम 15-20 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, कोई पानी की सुविधा नहीं है। इसलिए बढ़िया से सब आदमी खेती नहीं करने सकता है। तो आप सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, सरकार को आप क्या बोलना चाहते हैं इस मामला में, सरकार को आप क्या बोलना चाहता है? सरकार से ये आवेदन है कि हम लोग को सब सुविधा दे, हम लोग को सब सुविधा करा दे, हम लोग का खेती करने के लिए कुछ जो सामान चाहिए वो सरकार सुविधा कर दे हम लोग को सबको लिए, यही हम बोलने मांगते हैं। ठीक है, आपने सुना है जो हम लोग का यहाँ का जो नूतन हजार जो है वहाँ का जो प्रॉब्लम्स है बता रहे हैं, तो उन लोग क्या क्या चाहते हैं वो भी बताया। आप और एक सपा जा रहे हैं, हम लोग यूथ से वो थोड़ा नूतन हजार का जो एकदम प्रॉब्लम्स है वो उसका बारे में बताएंगे। हम इधर जो हम लोग छोटा का टाइम में जो हम लोग था उसी समय तो हम लोग पूरा जितना है 1000 बीघा से होगा हेक्टर पानी बुक कर सकता है, लेकिन जो हम लोग अभी 2005-06 से तो खेती करने नहीं सका कुछ। उसके बाद फिर से वो मिशन से ऑक्शन करके 2014 में बैठे इधर छोटा सा मिशन, उसमें सिर्फ मिशन में बैठे लेकिन उसका कोई केनल नहीं है, नाला नहीं है खेत में घुसाने के लिए। अच्छा, इसके लिए हम लोग बहुत कष्ट हो रहे हैं। ऊपर का बारिश गिरने से कर सकता, ऊपर का बारिश नहीं गिरने से हम लोग कर नहीं सकता, इसलिए हम लोग को वो लगता। और हम लोग का गांव का ये जो हम लोग अभी 40 ईयर्स होने वाला है, अभी तक ब्लैक टॉकिंग नहीं हुआ, उसके लिए भी पहले भी हम लोग बहुत मेमोरेंडम दिया है, एप्लीकेशन बहुत दिया, लेकिन कुछ गवर्नमेंट से कुछ नहीं करा, इसलिए वो हम लोग का। और दूसरा भी है, हम लोग का इधर का गांव का नदी बड़ा होने से सब जमीन सब बन गया, उसको भी एक प्लॉट काउंटर लगता, वो भी नहीं, आगे तो था वो भी नहीं हम लोग का, इसलिए जितना जमीन है वो चला गया नदी से। तो हमारे गाँव में यार जो खेत करता है उसको भी कोई सुविधा नहीं मिलता, गवर्नमेंट से कोई स्पेशलिटी नहीं है। सरकार को मैं बोल सकता है जैसे भी तुरंत उसको बनाने के लिए जल्दी इमीडिएट हम लोग जो इरिगेशन कैनल है वो भी हम लोग का रोड को कनेक्शन वो भी है, इसलिए वो हम लोग जल्दी गवर्नमेंट से बनाने से अच्छा होगा, ये मेरा एक। तो हिसाब का प्रिय दर्शक, देखा है हम लोग का जो डिमासा है पूरा डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम्स है ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा
बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इन लोग ये जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स वो मांग रहे हैं, तो ये जो भी सरकार देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग और भी आदमी हैं उनसे पास जाएंगे और भी जानकारी लेने के लिए। देखिए जितना जो मिलने चाहिए गवर्नमेंट से, ये बस्तीपुर तरक तरक के ये में बैठा हुआ है ये न्यूटन बहुत साल से, इसलिए जो हम लोग जो मांग रहा है गवर्नमेंट से हम लोग मांग रहा है, तो वो जो जो हम लोग जो मांगने वाला वो गवर्नमेंट भी थोड़ा माया दया से हम लोग को देना तो चाहिए, देना चाहिए। और हम लोग भी तो उनमें ऑफिस में जाके हम लोग खुद हम लोग जाके हम लोग उनको भी हम लोग इंक्वायरी करना है। ऐसे भी हम लोग गाँव में बैठेगा नहीं मिला बोल के तो होने तो नहीं चाहिए। हाँ, और जितना बेकारी है, जितना यो है, जितना काम करता है ये चलता है, और ये जे जो खेती करके खाता है वो भी तो अभी एकदम जो पानी तो नहीं मिल रहा है, तो फिर भी तो इधर यो होता है तकलीफ बहुत होता है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा मतलब हम लोग भी ऑफिस में जाना चाहिए। ऑफिस में हम लोग जानकारी हम लोग एकदम जाके हम लोग एकदम इंक्वायरी करना है, ये भी हम लोग भी लगता है। खाली बस्ती में ये गांव में रहने से तो नहीं होता ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। हम लोग ये रहा तो यहाँ में खत्म। हाँ, तो ये रहा इतना सुंदर से बताया जो हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है, ये गांव का जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को लिए इंक्वायरी भी करना है, वो जानकारी भी लेना है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो आगे में भी जाना है। तो इसमें हम और एक आदमी को पास जा रहे हैं, वो काफ़ी सारा बात बताएंगे। आप थोड़ा बताइएगा, ये जो एकदम सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया अभी पानी का और खेती नहीं होना, क्योंकि आप खेती का ऊपर गाँववासी पूरा डिपेंड करता है, तो इस हालत में लांगटिंगवासी का क्या क्या एकदम जरूरी है अभी अभी होना चाहिए? अभी मतलब हमारे गांव में नुठनाजा गांव में सबसे प्रॉब्लम ये है कि यानी कि खेत, यानी कि पानी खेत, यानी कि देखो खाना रहने से ना कुछ विचार आता है, अगर खाना फेट भी नहीं रहेगा तो उसका कुछ विचार नहीं आता। इसलिए पहले 1962 से यहाँ 60 ईस्वी 40 ईस्वी का 6 फार्म था। अच्छा। फार्म पानी देने वाला बहुत, तो बहुत बड़ा फार्म था, बहुत इरिगेशन स्कीम था, बहुत बड़ा। तो उसको पहले सरकार जो था वो ऑक्शन बोल के उसको लेके चला गया, तो उसके बाद में ये हाईवे आया, तो उसके बाद ये स्कीम खत्म, नुठनाजा स्कीम इरिगेशन का। तो उसके बाद में ये किताब हवार का नाम से ये छोटा मोटा स्कीम दिया 20 ईस्वी का। तो यहाँ खेत करने वाला जमीन लगभग 2000 हेक्टेयर का जैसा है यहाँ, दूसरा का गांव भी आके यहाँ खेती करता है, इतना था, बहुत फैसिलिटी था पहले। तो आज देखता तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। देखिए अभी जो 20 ईस्वी का वो स्कीम दे रहा है उसका आधा नाला नहीं है, तो खुद हम लोग अपना अपना से नाला बना के खेत कर रहा है। उसके बाद देखियो पिडौली का ये रास्ता जो है, हर साल हम लोग एप्लीकेशन लिख कर देता है, लेकिन फिर भी सरकार क्या करता, सरकार वो कहाँ कचरे का डब्बा में फेंक देता होगा शायद, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए सरकार से ये दरख्वास्त है कि हम लोग थोड़ा दया कीजिए, क्योंकि हम लोग ये क्योंकि देखिए हम लोग भी वोट डाला था ना सरकार, हाँ लीडर के लिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं इलेक्शन खत्म ये यहाँ आना भी खत्म, इलेक्शन का एक महीने का पहले में आ जाएगा वो लोग, वो ऐसा कर देगा ऐसा कर देगा सब कुछ बना देगा, लेकिन करता नहीं। तो इसलिए सरकार से ये मांगता है सारा नुठनाजा गांव, क्योंकि ये सब करके देना है। और देखिए पहले वीविंग था, ताट बनाने वाला वो कपड़ा बनने वाला लड़की लुक का, वो भी नहीं है अभी, वो भी खत्म, घर भी था बड़ा बड़ा। तो उसके बाद देखो ताट भी था,
तो वो सब खत्म मोहल्ला का। अच्छा, तो देखिए यहाँ एक कम्युनिटी हॉल चाहिए, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ, एक कम्युनिटी हॉल चाहिए यहाँ, वो भी नहीं है। अच्छा, तो बहुत समस्या है यहाँ, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता है क्योंकि आप लोग सरकार से आप लोग कुछ मदद कीजिए हम लोग को, यही बात है। तो अब आपने सुना ये नतून हजा का जो बसिंदा है व नतून हजा का जो गाँववासी है इतना बड़ा मांग नहीं कर रहे, लेकिन छोटा छोटा मांग है लेकिन बेसिक नीड्स है वो सब बहुत जरूरी है उनका लिए। और ये एक दिन जो नतून हजा जो लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बहुत फेमस हुआ था ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, आज देखिए वो प्रॉपर इरीगेशन नहीं होने का वजह आज धान खेत ऐसे पड़ा है। तो हम फिर से जाएंगे हम लोग का गावड़ा जी के पास। गावड़ा जी थोड़ा आप अभी एक सरकार को आप क्या बोलना चाहता है, अब सरकार को आपका मांग क्या रहेगा आपका गांव का लिए? हमारे गांव के लिए सरकार का रिक्वेस्ट है जो जल्दी से जल्दी वो नाला जो इरिगेशन नाला है वो बनाने से ठीक होगा, स्कूल बाउंड्री वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी मस्त है, रोड है वो भी ब्लैक टोकिंग चाहिए और रिमूवल चाहिए, वो सब जल्दी से। अब महिला के लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज आज का जो सरकार है सरकार बोलते हैं जो हम लोग महिला को एम्पावरमेंट कर रहे हैं, महिला को आगे लेके जा रहा है, तो ये हाल यदि रहेगा महिला के लिए आप क्या मांग रखेंगे? महिला के लिए जो मांग है वो हमारा पहले तो यहाँ वीविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी था टेक्सटाइल का, वो जल्दी पहले तो सब कुछ मिलता था वहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं, वो फिर से वो ठीक करने से अच्छा होता। अच्छा, तो ये रहा हम लोग का जो गावड़ा जी है उनका मांग, उनका मांग हम फिर से उनका जो पहले भी गौरा जी है बुजुर्ग है और पहले गौरा रह चुके हैं आगे में भी बताया और सुंदर से बताएंगे, सरकार का पास में आपका क्या मांग रहेगा? सरकार दोहा खुशी जाबा लामा हम सी लामा के सलामा रि एडुकेशन हम से जी दिमा साल ना लाखे वारदौरी दीदौरी मेसिन दीदाय लाबू और महिला हा लुथुन हजा लुथुन हजार उंग दंगा वो रिदौ उठाबा ब्लक उठाबा रिदौ जी उठाबा बोके हम से नाइन चाफनी खेत हम उठीना। तो ये रहा आज का जो हम लोग का एपिसोड है हम लोग भी बोलेगा नतून हजा से, हमारा जिंदा भी हिल्स लाइव का जिंदा भी क्रू है, क्रू मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद जाना था, साथ में यहाँ का गावरा से लेके नतून हजा का जितना भी गाँववासी हम लोग का हम लोग भी बोलेगा कार्यक्रम में उपस्थित है उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हुए हम यहाँ पर हम लोग का एपिसोड जो है हम लोग भी बोलेगा ख़त्म करते हैं। नमस्कार जुठाई।